आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में व्हाट्सएप की चार ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस, जो काफ़ी कमाल की ट्रिक है और काफ़ी खुफिया ट्रिक है गाइस। गाइस इसमें चार नंबर की ट्रिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। चौथे नंबर की ट्रिक से आप पता कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं, किसी ने आपके व्हाट्सएप को हैक तो नहीं कर रखा है गाइस। तो चौथे नंबर का ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस उसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाकर यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल आइकन घंटा होगा गाइस उसे जरूर से प्रेस कर देना और फिर जरूर से क्लिक कर देना गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स वाले। तो गाइस फर्स्ट ट्रिक आप लोगों को क्या करना है व्हाट्सएप पर देख लो। तो यहाँ पर मान लीजिए गाइस आप लोग अपना व्हाट्सअप चलाते हो गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को कभी नोटिस आप लोगों ने नहीं किया होगा कि यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं इस नाम के नीचे गाइस, जो ये जो मेरे व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के नीचे आपको यहाँ पर कोई लास्ट सीन नहीं शो हो रहा है गाइस। यहाँ पर आप किसी का भी कॉन्टैक्ट यहाँ ओपन करके देखोगे गाइस, तो वहाँ पर लास्ट सीन शो होता होगा गाइस, क्योंकि उससे पता चलता है कि वो बंदा कब ऑफलाइन हुआ था। और गाइस आप अगर चाहते हो कि आपका लास्ट सीन किसी को ना पता चले, वो हाइड रहा है, तो उसके लिए गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पर करना क्या होगा कि आपका लास्ट सीन कोई ना देख सके गाइस, उसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पर, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ थ्री डॉट पर जाकर क्लिक कर देना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों को सेटिंग पर जाकर क्लिक कर देना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है ऊपर, आप लोगों को अकाउंट पर जाकर क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट में यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा होगा गाइस, तो यहाँ प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए फर्स्ट में यहाँ लास्ट सीन यहाँ शो हो रहा है गाइस। तो मेरा यहाँ एवरी वन है, यानी कि मेरा लास्ट सीन हर कोई देख सकता है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा लास्ट सीन कोई ना देखे, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर नो बॉडी पर यहाँ क्लिक करके छोड़ देना होगा गाइस। तो इससे होगा क्या कि आपका लास्ट सीन यहाँ कोई भी नहीं देख पाएगा गाइस। यहाँ पर जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके नीचे एक लास्ट सीन शो होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वो लास्ट सीन नहीं शो होगा, इस तरह से वो ब्लैंक दिखेगा। तो गाइस इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी हो सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका लास्ट सीन क्या था, आप कब ऑफलाइन हुए थे व्हाट्सएप से। तो गाइस ये मेरी पहली बार गाइस। तो गाइस यहाँ सेकंड ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लो गाइस आप लोगों का यहाँ पर कुछ भी व्हाट्सएप पर अगर आपके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आप लोगों को मैसेज भेजते हैं गाइस, तो वो मैसेज आप लोगों के यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पर यहाँ शो होता है। जैसे कि आप लोग मेरा यहाँ देख सकते हैं कि एक मेरा यहाँ जियो का जो मैसेज यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, तो वहाँ पर उसका फोटो, उसका नाम और वो मैसेज भी यहाँ दिखता होगा गाइस, आप जरूर से देखते होंगे ये। और मान लो कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है गाइस, अगर उसने आपको कहीं मैसेज किया और वो मैसेज आपका नोटिफिकेशन पैनल पे शो हो रहा है, और मान लो कि अगर आपके फैमिली वाले ने अगर आप वो आपका मोबाइल लिया और मोबाइल लेकर अगर उसका वहाँ नाम और मैसेज अगर देख लिया, तो गाइस हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दे गाइस। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि आपको सिंपली यहाँ पर एक व्हाट्सअप में सेटिंग करना होगा, जिससे कि वो बंदा मैसेज तो करेगा मगर यहाँ पर मैसेज आएगा भी, मगर वहाँ पर ना उसका नाम रहेगा गाइस, नहीं यहाँ पर वो मैसेज क्या लिख कर यहाँ भेज रहा है वो शो या नहीं होगा। सिंपली यहाँ पर एक व्हाट्सअप लिखा आएगा और वहाँ पर कितने मैसेज वो कर रहा है, 1 2 3 इस तरह से वहाँ लिख कर आएगा बस गाइस। उसके लिए आप लोग को यहाँ सिंपली ऊपर में आप थ्री डॉट देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर आप लोग को जाकर सिंपली क्लिक कर देना है थ्री डॉट पर, और यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ सिंपली अकाउंट पर जाकर क्लिक कर देना है। गाइस अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट में यहाँ प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आ जाना है गाइस, और यहाँ सबसे लास्ट में आप लोगों को फिंगरप्रिंट लॉक, तो आप लोगों को यहाँ पर अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट तो आपको इससे इनेबल कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना फिंगर यहाँ कन्फर्म कर देना होगा। तो चलिए मैंने अपना फिंगर टच किया, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि देखिए नीचे में आप लोगों को एक ऑप्शन आ रहा है शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन, तो आप लोगों को सिंपली इसे ऑफ कर देना है गाइस, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। तो इससे होगा क्या गाइस, अगर आपको अब कोई भी मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप पर उसका नाम, प्रोफाइल और वो मैसेज क्या लिख कर भेज रहा है ये शो नहीं होगा। सिंपली व्हाट्सएप का एक आइकन बना होगा, व्हाट्सएप लिखा होगा और वो कितनी मैसेजेज कर रहा है यहाँ पर, 1 2 3 इस तरह से मैसेज यहाँ पर सिंपली शो होगा बस गाइस। तो ये काफ़ी कमाल के गाइस। गाइस थर्ड नंबर की ट्रिक क्या है कि मान लो गाइस आप व्हाट्सअप चलाते हो और आप चाहते हो कि यहाँ पर आपका प्रोफाइल कोई ना देख सके गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये प्रोफाइल यहाँ दिख रहा है गाइस इस तरह से, और आप चाहते हो कि आपका प्रोफाइल कोई ना देख सके, हो सकता है गाइस कि आपके प्रोफाइल का कोई मिसयूज कर ले, कोई गलत इस्तेमाल कर ले, और आप चाहते हो कि आपका प्रोफाइल यहाँ कोई ना देख सके, अब उसे आप छुपाना चाहते हो, उसे हाइड करना चाहते हो। तो गाइस आप किस तरह से अपने प्रोफाइल को यहाँ हाइड कर सकोगे, किस तरह से छुपाओगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ आप लोगों को सिंपली
थ्री डॉट आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंपली आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, सेटिंग पे आ जाना है गाइस। सेटिंग पे आने के बाद आप लोगों को अकाउंट में क्लिक करना है, और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर प्राइवेसी पर जाकर क्लिक करना है गाइस। तो गाइस अब यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल फोटो यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है गाइस। और यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली से नो बॉडी पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इससे होगा क्या कि आपका प्रोफाइल फोटो अब कोई भी नहीं देख पाएगा गाइस, उसका कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है गाइस कि आपके प्रोफाइल फोटो का कोई मिसयूज कर सकता है, कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल फोटो को यहाँ पर हाइड कर सकते हो। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं गाइस यहाँ पर अपने चौथे नंबर ट्रिक की तरफ। जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। हो सकता है आपका व्हाट्सअप हैक हो, तो वो आपके व्हाट्सअप पर किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल कर सकता है गाइस। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सिंपली करना क्या होगा, ये चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ सिंपली थ्री डॉट आप देख रहे हैं ऊपर में, आपको सिंपली यहाँ जाकर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिंक डिवाइस इस तरह का आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, और नहीं तो यहाँ पर वो वेव करके आपको कुछ यहाँ पर शो हो रहा होगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए लिंक डिवाइस आप लोगों को यहाँ ऊपर में ही है सेटिंग, आप लोगों को मिल जाएगा गाइस। तो आप लोगों को लिंक डिवाइस पर आप लोगों को जाकर यहाँ क्लिक करना है, और लिंक डिवाइस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं लिंक डिवाइस यहाँ पर आ गया, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ यूज पासवर्ड बोल रहा है, आप लोगों को यहाँ अपना पासवर्ड डालना होगा गाइस। तो चलिए मैं आप लोगों को जो होम स्क्रीन का पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर डाल लेना होगा, तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे ना पासवर्ड डाल लिया गाइस। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से स्कैनर आ रहा है गाइस। तो इससे आप लोगों को पता क्या करना है गाइस, अगर आपके मोबाइल में इस तरह से स्कैनर आ रहा है गाइस, तो आप समझ लो कि आपका मोबाइल हैक नहीं है, वो किसी ने भी हैक नहीं कर रखा है आपका मोबाइल आपके कंट्रोल में, आपका व्हाट्सअप आपके कंट्रोल में, आपके व्हाट्सअप को किसी ने भी हैक नहीं कर रखा है। अगर गाइस आपका यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन आता है गाइस, तो समझ लो गाइस आपका यहाँ पर व्हाट्सअप हैक हो गया है गाइस। तो आप लोगों को वहाँ पर सिंपली उसे लॉग आउट करना होगा, तभी जाकर वो डीएक्टिवेट होगा गाइस, नहीं तो कोई दूसरा उसे हैक करके अपने कंट्रोल में वो चला सकता है गाइस, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको